सबसे पहले जी हमारे पास हमारा कुज्जा बिरयानी मटका बिरयानी आ गई है मार के ना। इसको ये भाई जान ये होगी इसकी अनबॉक्स है तो हम भूल से बंदा खा ले गरम है फुल मजेदार अभी खाया एक एक ही बाइट खाई अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। हम भी दोनों खैर वाफियत से हैं। आज हम लोग खा रहे हैं मटका बिरयानी कह लो कुज्जा बिरयानी कह लो या लाइव तंदूरी बिरयानी कह लो जो कहना चाहो। तो इसकी डिस्क्रिप्शन इसकी एक्सप्लेनेशन जुनेद भाई ज़्यादा अच्छी देंगे क्योंकि टीचर है ना तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने क्या देनी है वो अंकल से इंटरव्यू ले लेंगे हम के ये कैसे बनती है इसको बनाने का स्टाइल क्या है और आपके दिन में ये आइडिया कहाँ से आया और आप कब से हैं इसकी प्राइस क्या है। लोकेशन तो मैं आपको बता देता हूँ बाद में इंटरव्यू के अंदर भी आपको बता दूंगा कि लोकेशन इसकी सुसन रोड के ऊपर है चिनाब मार्केट और HBL बैंक के साथ है इसकी लोकेशन। इनका बैक पे वो बैक पे HBL इनका जो है एक प्रॉपर शॉप नहीं है इन्होंने अपनी एक कैबन नहीं कहते कैबन वैसे का बनाया हुआ है तीन चार कैबन है इनके इनके पास मटका पिज़्ज़ा मटका बिरयानी भी है इनके पास इनके टिक्का शॉप भी है टिक्का भी है और इनके पास एक चाइना की कोई डिश है वो भी है। तो अभी फ़िलहाल हम इधर हाज़िर हुए हैं क्योंकि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमने पीछे मटका पिज़्ज़ा खाया था उसके ऊपर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस था और उम्मीद करता हूँ इसको भी आगे इस वीडियो पर भी आपका अच्छा रिस्पांस आएगा तो रुलाएगा क्या मुझे काफ़ी दिनों से वीडियो बनाई है तो बहुत बातें कर तो खा के आपको रिव्यू देते हैं चेक करवाते हैं कि कैसे का टेस्ट है और क्या इनके अंदर से मतलब अगर तंदूर में पाकरी है बिरयानी है क्या सादी बिरयानी के साथ क्या जायका आता है तो आपको चेक करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? ठीक ठाक। अच्छा आप मुझे ये बता दें कि आपके पास फ़िलहाल क्या मौजूद है इस वक्त? हमारे पास इस वक्त कुज्जा बिरयानी है। अच्छा सिर्फ कुज्जा बिरयानी है कि इसके अलावा और भी आपके पास आइटम? हमारा बारबेक्यू होता है और चाइनीज होता है। अच्छा ये कुज्जा बिरयानी का क्या कैसे बनती है? ये आपके पास चावल होते हैं क्या सारा प्रोसीजर आप बताइएगा ज़रा। हमारे पास ये बॉयल चावल होते हैं पहले ठीक है उसकी हम तह लगाते हैं मटके में पहले उसके बाद हम चिकन और ग्रेवी की तह लगाते हैं ठीक है उसके बाद फिर हम चावलों की तह लगाते हैं फिर उसको फूड कलर लगा के उसे पैक करके उसे कोयले पर लगा देते हैं। कोयले में तो सिर्फ ये जौन सा है ये बॉयल ही होता है कि आपके पास चिकन पहले से ही बना पड़ा होता है? ये मुकम्मल नहीं बना होता बाकी कुछ 15-20 मिनट ये इधर ही तैयार करते हैं। तो कितने का टाइम लगता है इसके ऊपर यहाँ पर तैयार? 20 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट लगते हैं और इसकी प्राइस क्या है? 230 है इसकी प्राइस। अच्छा इसकी प्राइस 230 है और आप इसकी लोकेशन के बारे में बता दें जो अगर किसी को पता लगे तो वो आसानी से आकर यहाँ से लगा सुसा रोड सुसा चनाब मार्केट अपना UBL बैंक है। हफ्ते के 7 दिन ही आपके पास होता है ये? हफ्ते के 7 दिन होता है। और आप टाइमिंग बता दें कब से कब तक? 12 बजे रात 9 से 10 बजे तक। अच्छा 12 बजे से रात 9 से 10 बजे तक। और इसकी कोई और ब्रांच नहीं अभी तक? अभी और कोई ब्रांच नहीं है। सबसे पहले जी हमारे पास हमारा कुज्जा बिरयानी मटका बिरयानी आ गई है मार के ना। इसको ये भाई जान ये होगी इसकी अनबॉक्सिंग। अच्छा जी
इसको ऐसे नहीं डाल दें? नहीं नहीं, इसको नीचे करना पहले भाई। किसको नीचे करना है, किसको करना है? इसको पहले हिला, चमकियों हिला, इसको इसके ऊपर ही डालते हैं। क्या बात है, बोनस। कैन यू सी दिस, हाउ मच हॉट इज दिस? इंग्लिश में ये अच्छी हो रही है। वो पीछे भी निकालना नहीं है, वो चम्मच से निकालते हैं। अच्छा निकाल दी, कुछ इमली सारी बेच रही है, इमली मसाले सारा कुछ अंदर ही। अच्छा ये बॉयल चावल होते हैं इनके, उसको ये करते हैं। दैट्स ग्रेट, ओके। अब ये पकड़ा, मेरी बारी है, मैं खा के बताऊंगा। मेरी मुंह की तरफ भी करिए, चेक करें धुआं कैसा निकल रहा है। हाय, तहमुल से बंदा खा ले, गरम है, फुल मजेदार। अभी खाया एक ही बाइट खाई, अच्छा है जायका, अच्छा मज़ेदार है, टेस्ट आता है थोड़ा सा कि कुछ में पका हुआ। सेटअप इनका बड़ा मज़ेदार है, फटे रखे होंगे अगर आपने फटों में बैठ के जैसे पेंडू खाते होते हैं वैसे खाने में। देसी भाई, नॉट अ पेंडू, देसी माई मीन। और अगर आपने कुर्सियों पर बैठ के खाना है, फुल बर्गर्स वाइब लेके खानी है, तो आप वो खा सकते हैं, लेकिन हमने चूज़ किया पेंडू वाइब, हम पेंडू के साथ खाएंगे। ये इनके चिकन का एक पीस है ये, जो कि काफ़ी अच्छा बॉयल हुआ हुआ है साथ। इन्होंने सालन पहले बना के रखा होता है, ठीक है, सालन इन्होंने पहले बना के रखा होता है, बस इसके अंदर ये बॉयल्ड चावल डालते हैं, ऊपर फ्लेवर दोजन डालते हैं, मसाला ग्रेवी डालते हैं। चिकन भी अच्छा बॉयल हुआ हुआ है और इसका जायका काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। बॉयल नहीं हुआ ये साथ, हम जाने अपने लिए थोड़ा सा मंगवाया। क्या है ये भला? जो इनकी ही शॉप का, जो इनकी इन्हीं की शॉप का बारबेक्यू है, मलाई बोटी, जो कि हम ये भी ट्राई करेंगे, इसका भी रिव्यू देंगे। हाँ ये भी बड़ा मज़ेदार है, अब जंग गुस्से की तरह देख रहा है, उसका एक खा गया मैं। बस अब हम अभी खा लें। जान यार, अभी तक आंखों में से पानी और कान में से धुआं निकल रहा है, और गला भी जो था ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, और मज़ा आया खाने का, गरम गरम और काफ़ी बहुत मज़ा आया। अच्छा मैं एक बहुत मज़ा आया, अच्छा जो मैंने एक एक्सपीरियंस वाली बात आपको बतानी थी वो ये है कि ये ना प्लेट के ऊपर रख देते हैं एक पेपर सा, उस पेपर के ऊपर ही हमदा ने उल्टा दिया था उसको, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि एंड पे जो था जब मैंने खाने लगा था वो पेपर आ रहा था, तो ब्राहे करो भाई, बहुत समझदार है, सॉरी। ये बंदा चीज़ें पहले बताता है भाई जान, हाँ एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का, एक्सपीरियंस बाद में होता है, और एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किसी ने ऐसा करना हो ना, तो पेपर के ऊपर ज़रूर मत रखिए, मत रखिए उसको, पेपर को वैसे ही देते हैं साथ एज अ शो पीस, लेकिन आप शो पीस को लेकिन मैंने जो था ना अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि अगर आप वो ट्राई करें तो वैसा ना मत कीजिएगा, और बड़ा मज़ेदार था। अभी तक के लिए इतना ही, लोकेशन भी बता दिया आपको, प्राइस इसकी 220 रुपए है, 220 प्राइस इसकी है, और साथ वो था क्या था, मलाई बोटी था, टिक्का था, इसके बाद इनकी चाइनीज़ भी, और इंशाल्लाह इन सून हम इनकी चाइनीज़ जो डिश है वो भी ट्राई करेंगे, क्योंकि आज ना भूख नहीं थी सर से ज़्यादा, जुनेद भाई को थी वो उन्होंने रगड़ा दिया, लेकिन धुएं निकल रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार है कि इतनी ठंड के अंदर हम वीडियो बनाने आए हैं, बहुत बहुत नवाजिश होगी, और लाइक क्या क्या, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी, और अभी तक लिए इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। जुनेद भाई का भाषण नहीं खत्म होना, अल्लाह हाफिज।